नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरा दधतं रुद्रघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी के साथ अभी सबको प्रणाम करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करके हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप लोग देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। एक मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। जी सर, प्रणाम सर। सर कर पा रहे हैं ये सर? हाँ कनिका मैम, आपको एक केस बताना चाहती हैं, शेयर नहीं करना सर, चाहती हैं। बताना तो नहीं चाहती। प्रणाम सर। सर पूछना चाहती हूँ सर एक केस ना। पूछिए मैम, पूछिए। सर एक पेशेंट था, मैंने शायद पहले भी एक बार पूछा था तो शायद डिस्कशन में वो नहीं था। तो सर वो उसके ना आयरन लेवल्स बॉडी में बहुत ज्यादा हैं सर। अच्छा तो आप क्या सोच रही हैं? सर वही मतलब लो धातु, मतलब कैसे, मतलब बॉडी में वही लीवर का ही कुछ ना कुछ, मैं लीवर के ऊपर ही वर्क कर रही हूँ इसके ऊपर, कि मैं थोड़ा विरेचन दे रही हूँ उनको और दीपन पाचन के साथ, और लीवर के लिए सर काम कर रही हूँ। अदरवाइज तो अभी और कुछ किया नहीं है सर। जी सर। हेलो।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आते। सर नहीं है। गुड इवनिंग एवरीवन, जिसको जो शेयर करना है अपना वो शेयर कर रहे थे। तनिका मैम मोस्ट वाली बोल रहे थे। हाँ हाँ जी मैम, जी मैम सर उनका आयरन लेवल आ बॉडी गए में हैं। बहुत हाँ ज्यादा। सर आ गए। सीमा मैम सर को नोट्स आपने बना दीजिए। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास दर्शशास्त्र की किताब है क्या मैम? तनिका सर नहीं, अभी तो मैम, नहीं है, अभी तो सर मेरे पास नहीं है। अच्छा, आपके पास है, किसी पास रसशास्त्र की किताब है, उसमें लोह का मारण देखिए ना, वही तो करना है। लोह का मारण करने से सब निकल जाएगा, आयरन टॉक्सिसिटी। सर इसमें लोह का मारण वाले द्रव्य देंगे और विरेचन वगैरह सर, और लीवर में मैं काम कर रही हूँ तो वो ठीक रहेगा क्या सर? लीवर पे जो भी काम करेंगे उसमें आरोग्यवर्धिनी देंगी, तो उसमें तो लोह रहता है ना। सर अच्छा हाँ यस सर। आप लोह का मारण ही करिए तो हो जाएगा ठीक। जी सर। उनको तकलीफ क्या हो रही है उसकी वजह से? सर तो उनको उनको जॉइंट्स पेन हो रहा है सर। आप ज्वाइंट पेन की चिकित्सा करिए ना, सर सिंपल जॉइंट्स पेन पार्ट क्या। वो है सर, जॉइंट्स मतलब जब हम लोग आयरन के देखते हैं सिम्टम्स तो अगर ज्यादा बड़ा होता है तो उसमें भी शायद जॉइंट्स पेन होता है सर, वो तो मुझे एलोपैथी का यही अच्छा लगता होता है। हाँ जी है, सर, एलोपैथी के एलोपैथी अकॉर्डिंगली का। बोल रही हूँ सर, मुझे आयुर्वेद का मतलब वो। मैं बता दिया कि आप मारण वाले द्रव्य दीजिए, जी 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 ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन आपको संधिवात के लिए आप क्या दे यस सर, फिर गुगलू प्रिपरेशन दे देती हूँ और थोड़ा हस्ती हस्ती धातु पे काम करती हूँ और वो सकते तो मैं कर लूंगी। ठीक हैं? है दीजिए। जी सर, सर थैंक यू सर। हाँ मैम बोलिए लौह मैम। धातु का हिंगुल द्वारा मारण होता है। हाँ तो हिंगुल कैसे देंगे खाने में? हिंगुल के कोई कल्प है क्या? हिंगुलेश्वर रस है, और कोई कल्प है क्या? वो देने से फायदा होगा और क्या? मारण के लिए तो बहुत सारे द्रव्य है ना मैम, नीता मैम। सर ये सामान्य है, सामान्य मारण है अभी सर, आप देख विशेष के बता। आप देखिए तब तक ठीक है। और डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आपने कल कैसे दवाई बनाया था वो हमें बताइए। सर वो कल मैंने स्वासर योग बनाया था, एक्चुअल में एक वैद्य जी की बुक है मेरे पास, तो उसमें से बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं अच्छी अच्छी तो बहुत एक सिंपल सी प्रिपरेशन थी, तो मैंने कहा लाओ बनाकर देते हैं। अभी पेशेंट को भेजा है, अभी खुद भी लेंगे, मैम मतलब अगर कोई उनको किसी बोलिए मुझे को होस्ट किसी बनाए। प्रॉब्लम हो। हाँ डॉक्टर सीमा शर्मा मैम, अगर आप सुन पा रही हैं, अगर हाँ सुन जी नहीं है सर, शायद जी मेरे सर नाम से आके आप जाइए और जहाँ पे माइक है और वीडियो है उधर क्लिक करिए। एंड द मीटिंग नहीं करेंगी, बाकी मेरे को मेक द होस्ट बना दीजिए। सर मैं देखती हूँ, मेरे को मेरे नाम के आपके पास जाइए जहाँ मैम पार्टिसिपेंट सर के नाम को होंगे। क्लिक करो, फिर एक क्लिक मिनट। हाँ करोगे ना जी तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, मेक हाँ जी होस्ट, आ मेक गए। को हाँ होस्ट, तो तो मैं उसमें देख मेक मेक होस्ट का जो होस्ट ऑप्शन है उसको क्लिक कर दो। ठीक है मैम, बिना पेशेंट देखे नहीं, जी पेशेंट को मैम, हार्ट अटैक पड़ सकती है, मैं ये तो कह ही नहीं सकता ठीक है सर, ना। थैंक यू। हाँ जी सर, रूम चलाना सबको आना चाहिए। 3,000 तो मैं उसके लूंगा इंडोर के, और ये 1,500 रुपये डॉक्टर ऑप्शन। अरुण पत्रा जी, आप बहुत बिजी लग रहे हैं सर।
हाँ शशि मैम, अब आप बोलिए। हाँ सर, तो कल मैंने वो बनाया था सर। मैंने क्या किया था, एक्चुअली टाइम होता तो प्रॉपर हरिद्की को वैसे कर लेना चाहिए कि बाहर से ला करके पाउडर खुद बना लो, तो कल मैंने डायरेक्ट हरिद्की चूर्ण यूज कर लिया था और सुंठी चूर्ण यूज कर लिया था। तो उसमें तो था कि गुड़ के साथ उसको करना होता है, मतलब बढ़िया से कूटना होता है और साथ में उसमें नागर मोथा पड़ता है। तो मैंने कहा कूटने की मेहनत नहीं करा मैंने, मैंने सिंपल सा क्या किया, कढ़ाई में गुड़ चढ़ाया। मेरे पास पुराण गुड़ रखा है, मतलब साल भर पुराना है घर का अच्छा गुड़, तो उसी को मैंने आधा लगभग हाफ के जी से कम लिया था, 400 ग्राम लिया था, उसको बढ़िया से पिघला लिया था। पिघला कर ये दोनों चीजें डाल करके मिला लिया था और गोली मिला करके करीब 2 घंटे लगे थे सर। छोटी छोटी मैंने गोलियां बना ली थी, तो जैसे ही आप लो तो तुरंत जैसे लगता है ना कि कफ बिल्कुल आराम सा आ गया, मतलब गला तुरंत आराम दे देता है। तो ये श्वासर योग है, तो वैसे भी बहुत बढ़िया है क्योंकि कितना जी सर मात्रा में देते हैं खाने को स्वास्थ्य के रोगी को? सर इसमें हालांकि गोलियां तो बहुत छोटी बनानी थी, मटर के दाने के बराबर है, तो मेरे से थोड़ी सी बड़ी बनी है और मैंने काउंटिंग करी थी तो मेरी करीब 150 गोलियां बनी थी। तो उस हिसाब से अगर मैं सोचूंगी तो 150 के हिसाब से उसमें करीब 1 ग्राम के आसपास सूंठी चला जाएगा और 1 ग्राम के आसपास ही वो भी जाएगा, क्या बोलते हैं, हरिद्की चली जाएगी और 2 ग्राम के आसपास गुड़ चला जाएगा, उस या उससे थोड़ा सा कम ही जाएगा। तो एक तरीके से सही सोचो तो सूंठी हो गया, आम पाचन बहुत बढ़िया कर देगी, हरित की अनुलोमन कर देगी, गुड़ मधुर रस सही तो उस चीजों से, और एक ब्रिंघण भी दे देगा। बस डायबिटिक पेशेंट वगैरह को नहीं चला सकते हैं, ये प्रॉब्लम है इसमें। जी तनिका मैम, आपका आंसर मिल गया। इसमें आप त्रिफला का काढ़ा दे सकती हैं, ग्रुप में देखिए कुमारी का रस दे सकती हैं, गोमूत्र दे सकती हैं, पुनर्नवा का स्वरस दे सकती हैं, है ना? ये सब देंगे तो पेट की अग्नि है, जैसे गजकुट देते हैं हमारे जठराग्नि, उनको जी पका सर, देख लिया सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। इसमें देना। और विनीता ना मैम, नौ आपने नौ एक मेथड ट्वेंटी करने सेवन लिखा है हैं। उसमें, वो उसका मतलब क्या है 827 AM? विनीता मैम, आपकी किताब में 827 जी AM सर, लिखा है, 8:27 AM ऐसे लिखा है पेन से, उसका मतलब क्या है? सर वो मेरे से, सर वो मैंने नहीं लिखा, मेरी बुक किसी ने ली थी पढ़ने के लिए, मैं ऐसे नहीं पढ़ती हूँ, कुछ फॉर्मूले होते तो वही लिखती हूँ, पर सीए नहीं लिखती हूँ। ठीक है, और मुझे लगा कि सर वो इसमें कर रहे हैं। ना ठीक है मैम, ठीक है। तो बहुत तनिका समझा रहे हैं, मैम, इसमें एक और है जो अगले तो इसकी भावना देते हुए जाते तो भी होगी। हमारे सर ने यही लिखा है, मैम, जब मैम आपकी भी आवाज नहीं आ रही विनीता थी मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। विनीता मैम, नेटवर्क एरिया में आइए, नहीं आ रहे। आप एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करिए मैम। विनीता मैम, तनिका मैम, हमारे सर ने ये सिखाया है कि जब भी मेटल का टॉक्सिसिटी होती है, तो जो जो द्रव्य बताए हैं ग्रंथों में, उसको हमें हर्बल द्रव्य को देना चाहिए। और उसमें गजपुट देने को बोला है, तो हमारी जठराग्नि ही पुट दे देती है नेचुरल वे से। तो ऐसा सोच के हमें देते हैं तो टॉक्सिसिटी कम हो जाता है। जैसे कॉपर टॉक्सिसिटी से विल्सन डिजीज होता है, बहुत सारे बीमारी होते हैं, लेड टॉक्सिसिटी, जिंक टॉक्सिसिटी, जो जो बोले हैं ना द्रव्य, वही देने से वो सब ठीक हो जाता हेलो है। हाँ बोलिए मैम, जी सर, सर आप पूछ रहे थे कुछ? आप कुछ कुछ और ऐड कर रही थी। हाँ सर, सर इसमें 9 मेथड है जो भस्म बनाने की, उसमें जो 9th वाली है उसमें ये है कि शुद्ध कांत लौ को आंवले के स्वरस की भावना देते हुए 100 गजपुट देने से उत्तम भस्म बन जाता है, यह उत्तम रसायन है, आयुर्वर्धक हाँ होता है। तो अभी लौ भस्म में थोड़ी ना देंगे हम इसमें आंवले का रस देंगे पेशेंट को आंवले का रस इंटरनल। देंगे ना सर, लोहे को, वही मैं कहती सर, लोहे को कम करने के लिए आंवले का स्वरस देंगे, तो फिर हाँ हो जाएगा, जी सर। ठीक है। ये मेथड होता है मेटल टॉक्सिसिटी कम करने का, हमारे सर ने सिखाया है, और सच में रिजल्ट आता है 3 महीने में। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का ही है, बोलने के लिए ही हम लोग, सुनने के लिए ही आए हैं। डॉक्टर हरिहर सर, कोई बोलना चाहते हैं बोलिए, आप सर सर लोग एक पेशेंट के बारे में पूछना था। पूछिए मैम। हाँ, पेशेंट 7 मंथ कंप्लीट है प्रेगनेंसी, उसको आयुजीआर है और जो फ्लो जा रहा है ना यूट्रस एक्ट्रिक, वो फ्लो
कम बेक हो रहा है थोड़ा, और ओलिगोमेनोरिया है, ओलिगोहाइड्रोमिनेस है, तो 6 to 7 है आप और 1 kg का ही बेबी है अभी। ठीक है, आप उसको बढ़ाना चाहती है हाँ ना बोलो। अपने साथ एक ये हाँ लाइकर बढ़ाना है, जितेंद्र बसंत कप दे दूं मैम। केस हाँ था। वो सुवर्ण वसंत मालती 7 मिनट कंप्लीट हुआ है, तो मैंने सुवर्ण वसंत मालती अभ्रक 100 सहस्त्रपुटी वो दो तो दिया उसको आज, और सिद्ध पर मक्खन का वो पानी दीजिए मैम, और थोड़ा सा बेड रेस्ट कराइए, और हाँ खाने हाँ पीने में ना लिक्विड, हाँ बहुत बेड ही, रेस्ट बोला, लिक्विड डाइट, और उनको हाँ नारियल का पानी पिलाइए और बहुत लघु आहार क्योंकि दीजिए, और देखिए ऐसा तो नहीं पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह रह रहा है, तो नहीं उस वो केस तो में फिर क्लियर है। हाँ वो तो बोला नहीं, सब जैसे कोई तब उस क्लियर केस में था। ना द्राक्षा वगैरह साथ में दे देना आप, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आ जाएगा, और रिकवर हो मैम जाएगा बच्चा। आपको गर्भपाल रस दीजिए, और इसमें यस 7वां 8वां 9वां महीना का जो काढ़ा बताया है हर महीने में वो देना है, 7th month का जो काढ़ा बताया है। आपको रेफरेंस यस मालूम है किसी को? बागभट में भी है सर, शुद्ध। अष्टांग हृदय का जो शारीर स्थान का फर्स्ट चैप्टर है मैम उसी में दे रखा है, मासानु ओके हाँ वो तो देखेंगे। मासिक है ना मैम, मासानु मासिक काढ़े देने थे वो बुक में, आप देखोगे हाँ ना वो उसमें टेबलेट ही मंग, ये टेबलेट ही डिफरेंट बोल वाइज देती दे हूँ, वो रखा ले है। लेंगी। हाँ नहीं मैम, और वो टेबलेट भी मिल एक ना जाएगी। शीर दूध के साथ सिद्ध देने का भी है, देखिए आप हर मंथ में जो उसका, हाँ नहीं तो 6 मंथ में तो गोक्षुर सिद्ध बला देते हैं, और इस वक्त भी मैम आप दे सकते हो। गोक्षुर, बला हाँ गोक्षुर सिद्ध, ओलिगो है ना मैम, वो नहीं दे सकते ना कोक्षुर, तो क्यों ओलिगो में नहीं देते, वो लाइकर ज्यादा कम होता है। वो काम नहीं करेगा मैम, नहीं, काम नहीं गोक्षुर करेगा सिद्ध लाइकर। क्षीर जब देते हैं तब तो ठीक रहता है, गोक्षुर अकेले नहीं देना चाहिए आप। तो वो और तो मैं शतावरी अश्वगंधा, शतावरी बला और गोक्षुर का मैम मेरे एक पास और, था, पर मैंने वो एक और चीज या प्रजास्थापन गण बताया है, वो आप देखिए मैम, जलद हाँ है, हाँ कुष्ठ 4th month है में। वो मेरे पास। हाँ प्रजास्थापन गण देंगे तो उसमें दुर्वा है, ब्राह्मी है, शतावरी है, प्रजास्थापन गण बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है गीता मैम आप करिए। हाँ। हाँ और इस केस को आपको सॉल्व करना है मैम, सिद्ध मकर ध्वज नहीं। दीजिए अच्छा जाएगा। हाँ वो तो मेरी घर की बेटी है तो फिर करना ही पड़ेगा। अच्छा रिजल्ट आएगा मैम, नहीं होगा तो ओके ओके दे देती हूँ, अब फिर बस गर्भपाल याद नहीं आ रहा था और तो सब। जी ठीक है। और कोई बोलना चाहते हैं? वैशाली मैम कुछ बोलना चाहती हैं? बोलिए। हेलो सर, सर मेरे को पूछना था। हाँ पूछिए। प्रणाम सर। सर वो क्या बोलते हैं, सीबीएसई का मैंने देखा था चरक संहिता, मेरे को समझ में नहीं आया उसमें फिर। क्या नहीं समझ आया? देखिए सर उसमें मतलब कि कौन सा योग लेना है और मतलब किस योग का चुनाव करूँ मैं? आप वो पहले मेरे को फोटो भेजिए और पूरा केस चेकिंग करके बताइए, तब मैं बताऊंगा, और सच बताऊंगा कि मैं क्या दवाई, पूरा जी केस सर। अच्छे से बताइए। सर और तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बस सीबीएसई असिस्ट है और इसके। आप सिम्टम बता रहे हैं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, आप, मैं बोल रहा हूँ हेतु और लक्षण बताइए मुझे, हेतु बताइए, संपत्ति बताइए। हेतु तो सर नहीं, सर मेरे को पता नहीं सर। क्यों होमवर्क करके आना चाहिए, ऐसे नहीं बताएंगे, शॉर्टकट नहीं बताएंगे। सब ऐसे सिस्ट का कोई टेबलेट आता है क्या इलाज का, चरक संहिता में बताया है कहीं, कहीं पढ़ा है चरक संहिता में ऐसा? हाँ सर मेरे को केस आया वो टेकिंग जी करिए प्रॉपरली, केस टेकिंग करके फिर आइए, तब हम बताएंगे आपको सब चीज। सर। थैंक यू सर। डॉक्टर वैशाली मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए मैम। जी सर, सर मेरी एक सर पेशेंट है, हाँ अभी 7 दिन पहले आई थी। पेशेंट की सर 20 साल एज है, उसकी लेफ्ट ओवरी का साइज 35 x 40 mm है लगभग, बड़ा हुआ है सर साइज, और मल्टीपल उसमें वो है सिस्ट है, और सर उसका प्रोलैक्टिन, सीरम प्रोलैक्टिन, AMH और जितनी भी चीजें हैं सर नॉर्मल हैं, पर और उसका सर लगभग 4 महीने से
पीरियड्स नहीं आए हैं, और 4 महीने पहले का ही सर यूएसजी रिपोर्ट था, तो उसके अकॉर्डिंग 7 mm था उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस। तो यहाँ पर सर थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड वगैरह भी नहीं हो पाता है, तो मैंने उसको रजा प्रवर्तनी वटी, दशमूल दशमूल दशमूलारिष्ट और सर कुमारी आसव ये लेकर लेने के लिए बोला था सर 7 दिन, लेकिन अभी उसको पीरियड्स नहीं आए। और 4 महीने पहले भी सर उसका लगभग 1 साल ट्रीटमेंट चला है फॉर मतलब इनफर्टिलिटी के लिए, तो उसमें भी कंसीव नहीं हुआ उसको। तो आपने ये इसमें हेतु नहीं बताया, आपने सारा चीज तो बता दिया एलोपैथी के सारे केस पेपर देख के, हेतु नहीं जी बताया सर, आपने। सर मैंने उसका सारा हिस्ट्री लिया था, उसका लगभग हर चीज डाइट से लेके हर चीज नॉर्मल ही था, पर वेट गेन अभी इस समय हो रहा था, तो मैंने एक्सरसाइज के लिए बोला है उसको, सूर्य नमस्कार वगैरह करने के आपने जो केस लिए। किया उससे ये बीमारी तक जाने में कुछ लिंक जुड़ रहे क्या? जी सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बैठे रहना, ज्यादा काम ना करना, मतलब सेडेंटरी थोड़ी सी लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से ये हुआ है, मुझे क्या ऐसा लग रहा हुआ है सर। उससे, क्या हुआ, कौन सा स्रोतस की दृष्टि हुआ, क्या हुआ? सर उसकी वजह से मेदो वह स्रोतस की दृष्टि हुई मेरे ख्याल से सर, तो उसकी वजह से सर उसको वेट बढ़ रहा है, तो हालांकि आप अभी मेद वेट की बहुत चिकित्सा ज्यादा करिए, नहीं है। हो जाएगा। जी सर, सर आवाज आप बहुत फिर मेद की चिकित्सा करिए, मेदोवह स्रोतस को शुद्ध करिए, हो जाएगा। जी सर, वही मैंने 7 दिन जरूर दिया है, लेकिन मैंने अभी उसको बोला है कि पहले बॉडी पे काम करते हैं, उसके बाद फिर पीरियड का भी टेंशन छोड़ दो सर, तो यही बोला अभी मैंने। आप ये और मत बोलिए पीरियड का टेंशन छोड़ दो, आप बोलिए कि आपका जी जो भी लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से जी ऐसे ही रास्ता है, ऐसे ही जी हम करेंगे, 3-4 महीना आपका वेट कम जी करेंगे तभी आप जी ठीक होंगे, यही बोलिए, जी छोड़ दो जी नहीं, सर, हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। जी, मतलब ये टेंशन सर बोला कि अभी आप ये टेंशन छोड़ दो कि दवा खाई पीरियड नहीं हुआ, पीरियड होगा, पहले आपकी जो पैथोलॉजी है वो ठीक हो। तो सर इसमें हम कैसे कैसे कर सकते, थोड़ा सा तो गाइड आप कर मेद दीजिए कम करने के लिए क्या क्या दवाई देंगे? सर। मेदोहर गुगुल ऐड किया है सर, यहाँ पे जो चीजें मिल जाती हैं सर, और अभी मैंने सर उसको दशमलव दे रखा है, वो पी रही है। और सर मैंने उसको अज हमारे पास जैसे रहता है, तो हमारे पास अजमोदादी पिपली एंड शुंठी का सर कॉम्बिनेशन था, रहता है पाउडर में, तो ये सर कॉम्बिनेशन उसको दिया है, एंड सर उसको आरोग्यवर्धिनी वटी दिया है मैंने, अभी फिलहाल यही उसने क्या दिया वो है सर। डाइट चार्ट दिया है अपने वजन कम करने के लिए, डाइट जी जी चार्ट? जी सर, एक तो सूर्य नमस्कार के लिए बोला है, डेली भी वॉक करने के लिए भी बोला है, और अभी सर वो 20 साल की पेशेंट है, उसको थोड़ा सा वो लग रहा था, धीरे धीरे सर उसको मैं कोशिश कर रही हूँ चेंज करने का उसका लाइफस्टाइल, और बाकी सर उसका जो बताशे और ये सब खाने का वो था, वो भी सर बंद करा दिया अभी। और ठीक है, सर आप और उसमें ना कैसा जी अष्टनिंदन के अध्याय पढ़िए, उसमें मेद रोग वो पूरा पढ़ के उस जी हिसाब से चिकित्सा दीजिए, और आपके पास जी डाइट जी चिकित्सा की किताब होगी उसमें जी मेद जी जी रोग का जो चिकित्सा है वो दे दीजिए। जी 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 सब एक्सक्यूज यही मी चले मैम, केवल मेद पर। जी, मैम ये ऐसे वाला सेम पेशेंट मेरे पास भी है, अभी चल रहा है वैसे, तो जी उसको सेम हिस्ट्री है मैम, अभी 2 इयर्स हो गए उसके मैरिज को, और जी ऐसा था कि उसका एक्चुअली वेट गेन सडनली हुआ है, काफी ज्यादा 20-25 किलो उसने बढ़ा लिया, और उसको भी मेंसेस वो वही 2.5-3 महीने के बाद आ रहे थे, तो जी मेरा ये केस डिस्कस हुआ था सर के साथ। तो मैम एक जी वो जो तो आपने मेडिसिन दी है वो तो ठीक है, बेस्ट है, बट मैम उसमें ना वो भी ऐड करो आप, जो सर का वो क्या ग्रंथि पाचक वाला है ना, इंद्रिय वो, और ये पाठा पाठा और त्रिकटू, इंद्रिय और मैम ये टिकटू? बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यस मैम, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये मेरे में उसको पीरियड आने शुरू हो गए हैं मैम। ओके मैम, कितने दिन आपने इसको दिया है ये कॉम्बिनेशन, मैम इक्वल ये अमाउंट चला का? है इसका, उसका मुझे 3-4 महीने अभी हो चुके हैं, तो अभी उसको जी पीरियड्स आ गए हैं, तो अभी वो हैप्पी जी है, लेकिन मैं हाँ उसका वेट लूज भी करवाया है मैम, कब से कब मेरे को उसका दस जी दस किलो वेट लूज करवाया है, तब जाके उसको मैम पीरियड्स अभी आए हैं, लेकिन ये मैम जी मुझे जी कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सारी मेडिसिन दे दी थी, मैंने नस जी जी पुष्पांतक रस दे दिया था, पुष्प धनवा जी रस दे दिया था, मैंने सब कुछ दिया था, कुछ नहीं छोड़ा था, लेकिन जी जब जी ये ऐड किया है तो उसके बाद उसको within 15 to 20 days इसका रिजल्ट आया है मैम। मैम नष्ट पुष्पांतक एंड पशुधनवा के साथ मैम ये ऐड किया है आपने? नहीं नहीं मैम, फिर मैंने बंद कर दिया ना, मैंने नष्ट पुष्पांतक अच्छा चलता अच्छा चलता रहा था, पुष्प आपने धनवा बंद पाठा कर इंद्रो लिया। त्रिकटू दिया ना, पाठा हाँ इंद्रो जी, त्रिकटू दिया, और आर्तव के लिए वो तिल का क्वाथ ये दिया ना गुड़ के साथ। गुड़ गुड़ और तिल के साथ सर, गुड़ और तिल का साथ बोला था मैंने सर।
अच्छा सर, क्या मैंने बोला उसको ना वरुणादि क्वाथ भी ऐड किया है, हमारे यहाँ सप्लाई में रहता है तो उन्हें वरुणादि क्वाथ भी ऐड किया है सर उसमें। तो में मुझे इन पे विश्वास करें, ये जो बता रही है जी इससे जी आगे। जी जी सर, एक्चुअली मेरे पेशेंट में सर वेट गेन बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे लग रहा 4 to 5 kg ही वेट गेन होगा उसका। इसीलिए तो ओ तनिका मैम बता रही है ना, उनका वाला जो जी चीज है तिल का जी क्वाथ, आर्तवजनन होगा जी जी और आपके पास रस पाचक रक्त पाचक तो नहीं होगा, वो देंगी जी तो। सर, और यहाँ नहीं है जी। जी सर, सर तिल तो में सर कृष्ण तिल लेना है मैंने सर, कृष्ण तिल के लिए बोला है जी। हाँ। जी और सर, दूसरा कि आपके पास ये नहीं क्या, चरक संहिता में ज्वर चिकित्सा में 201 नंबर के श्लोक देखिए, उसमें पटोल इंद्रकुट की, ये नहीं मिलेगा क्या? सोम सर यहाँ कुटकी सही नहीं मिलता है, मैंने कई बार देने की दिया है तो सर रिजल्ट्स नहीं आते। कुटकी यहाँ पर सर वैसा मिल जाता है, मतलब कुटकी का तो थोड़ा सा रहता है ना डिमांड एंड सप्लाई वाला सर, थोड़ा सा तो कुटकी यहाँ सर सही उनको नहीं बाहर मिलता, से बाकी चीजें तो कुछ। अवेलेबल है, रस पाचक रक्त पाचक बाहर से ले क्वाथ बना के, पाठेंद्र त्रिकटु बोले ग्रंथिरस फॉर्मूला, उससे अच्छा होगा। आपके पास कन्या लोहा दीवटी नहीं है तो वो मैं भेज दूंगा, उसे मैंसेज जी अच्छा है। जी 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 सर, आगे मैं सर 10 दिन के बाद उनको थोड़ा सा पहले पेशेंट को वो करती हूँ, तो उसके बाद मैं उनको बोलती हूँ कि अगर लेंगे सर। गवर्नमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना कि आप दवा वो नहीं कर सकते, तो सर थोड़ा सा हो जाता है सर। ठीक है, 201 आप नंबर उतना दीजिए और फिर बताइए। जी। ओके सर, मैम एक मैं एक देती हूँ, भारंगी, त्रिकटू, कृष्ण तिल और कलौंजी, उसका क्वाथ देती हूँ वो आप लिख मेंसिस लीजिए मैम, वैशाली मैम। और मैम कहाँ से जी। रेफरेंस है वो बताइए। वो मुझे मुरली सर ने बोला है, रेफरेंस अच्छा का ठीक तो मुझे याद नहीं। है, वैशाली मैम मैम आप लिख लीजिए। इसका कॉम्बिनेशन है या मैम काढ़ा है? काढ़ा दे, वो पाउडर फॉर्म ही देती हूँ उसको, जी, गर्म पानी के साथ सुबह शाम लेना है। इक्वल अमाउंट में ही भारंगी सर लाल। ये सर मैम जो आप कलौंजी बोल रहे हो ना, तो ये सर सर इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मैंने अपने डाइट चार्ट में भी उसको ऐड किया था कलौंजी। हमारे यहाँ पे सर वहाँ पे पंजाब में ना वैद्य है एक, तो जब वो उनको वो बोलते हैं कि जब आपको मतलब किसी ट्यूबल ब्लॉकेज है ना, फ्लोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज है, तो आप कलौंजी दीजिए, तो वो अच्छा काम करती है। मुझे उसका पता नहीं है कि वो कैसे वर्कआउट करती है, लेकिन वो हमेशा यही बोलते हैं कि अगर किसी भी ट्यूबल ब्लॉकेज है तो आप कलौंजी जरूर ऐड करिए। मैम कलौंजी एंड शंख का कॉम्बिनेशन, ये डिसमेनोरिया में देते तो रिलीफ मिलता है कलौंजी एंड शंख से हाँ जी मैम, मैम उसका मुझे जी। पता नहीं है कि वो कैसे काम करती है, लेकिन अच्छा काम करती है मैम। जी ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं कल बताऊंगा कलौंजी कैसे काम करती है। ठीक जी, है, सर हाँ सर, पटोल सारेवा मस्त पाठा कटु रोहिणी। चार चीज क्या क्या बताया एक बार फिर से बता दीजिए। भारंगी है, कलौंजी है, तिल एंड त्रिकटू, ये मैं आपने बताया, एंड एक वो ग्रंथिरस चूर्ण है इसमें पाठेंद्र अभयं त्रिकटु है बहुत अच्छा मैम। बताया वो दस आपने, दस दिन का गैप करके दो, 10 दिन ये दो, 10 दिन ये दो, ऐसे ही करो। दोनों को ही 10 10 दिन वो हाँ दस करके। दस दिन दोनों करो। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम इसमें क्या डोज रखते हैं मैम, भारंगी, त्रिकटू, कलौंजी का? मैंने सप्रमाण ही रखा था, त्रिकटू भी वो त्रिकटू, बाकी के सारे कंटेंट सेम रखना है, त्रिकटू के भी अलग अलग कंटेंट करने हैं, जी मैम जी यानी 6 ड्रग हो गए। हाँ वो सारे वो मेदहर है ना, कफहर है सारे, तो पीसीओडी में उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी थैंक यू मैम। यस हाँ मैम, वो आपको ये था ना उसके लिए, वो गर्भरक्षक योग है वाग्भट में, चैप्टर 40 स्थान में मैम, उसमें आप देखिए आपको मिलेगा, 8 ये है उसके पास, दूध के बनाए काढ़े। हाँ वो मैं अभी वो लेके बैठी हूँ, मेरे हाँ पास एक चार और। स्थान देखिए, सेकंड चैप्टर है, 54 to 60 नंबर तलक श्लोक है, भले मैं मेरे पास गर्भपात। मंथ वाइज है, वो ड्रग भी है और वो भी है, हाँ वही वो वही बोले कि लेके। सागौन का बीज शीर विदारी देवदारू, फिर दूसरा हाँ अश्वमेध बस का, वही। और वो ऐसा है प्रजास्थापन गण का मैम ने भेजा है ग्रुप में, देखिए आप ग्रुप में भेजा है वो मेरे उसका। पास, वो तो मेरे पास टेबलेट फॉर्म ही है 1 ग्राम का। बहुत अच्छा,
तो वैशाली मैम आप करिए ये चीज नहीं, और आप हिम्मत मत करिए, आप ट्रीटमेंट बोलिए 4 महीना मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 साल, जी आपको जी हिम्मत जी करना है, करना है अच्छे से आपको। जी सर, अभी मैंने उसको बोला है कि आप एकदम से परेशान मत होइए कि दवा दी, पीरियड नहीं हुआ तो कुछ नहीं। मैम कि उसको क्या सुस्का यू नहीं है क्या, ड्राइनेस इन वजाइना ऐसा भी हो रहा है क्या? सर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है सर उसको, बस ये जितनी मुझे प्रॉब्लम समझ में आई थोड़ी सी डाइट की आई, सेडेंटरी लाइफ की आई सर, और थोड़ा सा स्ट्रेस भी लगा, तो उसके लिए भी सर मैंने एक टैबलेट ऐड कर दिया है ब्राह्मी वाला। और बाकी उसकी वजह वो भी से पेट स्ट्रेस सर थोड़ा अवरोध सा। जी 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 सर, हो रहा है, आवाज पेट आ अवरोध, सर। मलावस्था, कॉन्स्टिपेशन कुछ हो रहा है क्या? जी नहीं सर, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वेग अवरोध का भी नहीं है सर, और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, भूख भी बहुत अच्छी लगती है। तो सर एज बहुत अच्छा है, 20 ईयर्स एज है, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा खान पान का ही लग रहा है एज के अकॉर्डिंग कि हाँ उसको थोड़ा सा वैसी चीजें पसंद हो है, तो वो मैंने बंद करवाई है, अभी देखते हैं सर। और बिना भूख के सर खाना खाती है क्या, अध्ययन करती है क्या, विषमाशन करती है क्या? सर मुझे स्ट्रेस का ही लगा, दिन में सोने का भी सर, दिवा स्वप्न का भी कोई हिस्ट्री नहीं है, बस रात इन को कितना बजे रिसेंटली सोती है? सर। मेरे पास पेशेंट बोलते हैं कि हम 11 11:30 बजे सोते हैं, वो तो रात्रि जी जी जागरण जी हो गया था। सर, लो जी है जी प्रेपरेशन भी सर। काम करेगी इसमें सर? कौन सी सर लो प्रेपरेशंस, लॉ जैसे नवायस प्रोफेशन, लो। आपके लो नवायस लो काम करेगा ना? हाँ जी सर, ठीक है सर। आप विरेचन भी करा सकते हैं, विरेचन कराने से आपान दृष्टि निकल जाएगा, घृत देके फिर जी लौह कल्प दे दीजिए, तात्या दिलो जी नवायस दो। जी सर, मैं सोच रही हूँ उसको फलगत से सर वो स्नेहन दे करके फिर विरेचन करवाऊंगी। हाँ जी उसके बाद भी फल घृत देते रहिएगा, कभी कभी जी 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 सर, अभी क्या होता फिलहाल है सर कि मेद पे काम करना है मुझे ना। जी वही सोच के सर मैंने, सर वरुण आदि पात मैंने ऐड किया, ठीक है, लगता हाँ ठीक है ना, है ग्रंथि के हिसाब से मुझे लगा कि वो काम करेगा उस पर। ठीक है। थैंक और ये सबसे भी यू। नहीं होगा तो आपको सहचर तेल का मात्रावस्ती कंटिन्यू देना पड़ेगा, मात्रावस्थी ठीक सर, है? सहचर तेल वो के अलावा क्या सर नारायण तेल या महानारायण तेल से दे सकते हैं क्या? भी है, लेकिन आप चरक संहिता में योनि व्यापन चिकित्सा में देखें तो सहचरादि तेल का ज्यादा महत्व होता है, आप देने को तो सब दे सकते हैं, लेकिन एक बार चरक सर यहाँ संहिता मिलता देखिए, नहीं है सर ना, तो इस वजह से आप दे दीजिए ना। का भी उपयोग होता है, सहचर नहीं मिला तो चंदन वाला लाक्षाद्य यूज करती हूँ मैं, उसका भी यूज अच्छा उपयोग होता है। जी हाँ सर, हाँ ठीक है। जी जी सर, और आज अच्छा केस डिस्कशन हो रहा है, अब केस डिस्कशन से ज्यादा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। और केशव जी आप केस टेकिंग करके अच्छे से बताइए, केस शीट नहीं है तो केस लेके अच्छे से पूरा सर सर मेरा ही है केस शीट चेंज कर। सर, केस शीट आप शशि मैम से मांगिए, शशि मैम आप दे दीजिए केस शीट, ग्रुप में आप ग्रुप में लिखिए, आपको दे देंगे सब लोग। हाँ जी जी सर सर, और किसी को कुछ बोलना है बोलिए, बाकी लोग म्यूट कर लें। किसी को कुछ बोलना है? एक डॉक्टर पूजा मैडम आई है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, डॉक्टर पूजा मैम आप कोई केस बताना चाहेंगी? पूजा मैम आजकल नाराज है, बात ही नहीं करती है। डॉक्टर हरीश बत्रा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? हनुमंत राय जी कुछ बोलिए, प्रवीण कश्यप जी। प्रणाम सर। हाँ पूजा मैम पहले आप बोलिए, या नेहा मैम कोई बोलिए। जी सर प्रणाम सर, आपसे तो हम कभी नाराज नहीं हो सकते सर, ऐसा आप तो कहाँ कभी थी नहीं हो पहले तो ये सकता। बताइए, आप कहाँ थी इतने दिन, हम आपको मिस कर रहे थे। सर वो आपको पता था ना कि मेरी हाँ हाँ तबीयत ठीक नहीं थी, ऑपरेशन हुआ था तो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है अभी। तो अभी रिकवर नहीं हुई 1 महीने में? हाँ सर अभी ठीक है, अभी कवर हुआ है, अभी धीरे धीरे अपनी रूटीन लाइफ स्टार्ट कर रही हूँ सर। तो आप अभी कुछ तो खाइए ना, गोंद का लड्डू, फिर ये शुंठी का लड्डू, ऐसे कुछ तो खाइए ना, अजवाइन हाँ सर, शुंठी। वो सौभाग्य सूठी पाक भी मैंने हाँ तैयार किया है, वो मैं खा रही हूँ अभी। हाँ ठीक है मैम, आप जल्दी जल्दी जी ठीक हो सर, जाइए, फिर हम
हमसे फिर आप तो अच्छा अच्छा केसेस बताती है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर परवीन कश्यप सर, जी, श्योर सर। हाँ जी मैम, परवीन कश्यप जी आप कुछ बोलने वाले थे, कोई बोल रहा था, नेहा मैम या कोई तो बोल रहा था। सर, सर मैं बोल रही थी सर, अभी वो केस डिस्कस हो रहा था जो गर्भशोष का था, जिसमें एमनियोटिक फ्लूड बच्चे में वो कम है, तो हाँ सर उस केस में सर गर्भशोष में जो चरक चिकित्सा में बताया गया है कि काशमारी सीता और मधुक उससे सिद्ध जो है क्षीर हम बार बार दें तो सर वो भी बहुत अच्छा बेनिफिट करेगा हाँ सर। वो ये कहाँ पे बताया, योनि व्यापक चिकित्सा में ही बताया ना। हाँ सर ये गर्भशोष करके एक वो टॉपिक आया था उसमें है सर, योनिव्यापद में है पता नहीं सर। हाँ हाँ वो आयुजीआर में है, यष्टि मधु आयुर्वेद में गंभारी और ये घृत के साथ हो देना है, दूध के साथ। जी, सही है, हमने भी पढ़ा है। सर ये वात व्याधि चिकित्सा में बताया है, गर्भशोष की चिकित्सा में, हाँ अच्छा गर्भाशय गर्भपात में है सर ये। हाँ जी, ठीक है सर। देखिए केश टिकिंग का फॉर्म दे दिया है बहुत सारे लोगों ने। केशव जी आप कभी ये मत सोचिएगा कि हम अकेले हैं, आपके साथ पूरा आयुष दर्पण थैंक यू वेरी मच सर। है। ये केश पेपर पढ़िए और इस हिसाब से केश टिकिंग करिए, फिर हमें हेतु बताइए कि आदमी का क्या लिंक जुड़ रहा है, तो हम जी उसको सर, जी करेंगे। मैं देख लेता हूँ सर। थैंक यू सर। हाँ और किसी को कुछ पूछना है तो संजय विश्वकर्मा जी बोलिए बोलिए, जिसको बोलना है। जी परवीन सर, कश्यप जी आप जी सर, बोलिए। सर जैसे सर्दियों का समय चल रहा है तो सर इसमें हीरक भस्म रसायन में डाल के दे सकते हैं सर, किसको, हीरक भस्म को सर। किस पेशेंट के लिए? अच्छा वैसे सर ताकत के लिए सर्दियों में। मैं समझ रहा हूँ, किस पेशेंट के लिए बोल रहे हैं? पेशेंट के लिए नहीं सर, वैसे ही, वैसे ही। हीरक रसायन देना है? हाँ जी सर, जी सर, हो सकता है ना सर, पेशेंट को अफोर्डेबल होगा क्या उतना महंगा? ऐसे दे सकते हैं हम लोग, कैंसर के पेशेंट को देते ही ना, दे सकते हैं सर। जी सर, आप कितना यू। डोज में देंगे वो बताइए, बहुत कम मात्रा में यस देना पड़ेगा, आधा रत्ती या 1/4 रत्ती भी दे सकते हैं। जी सर, जी। हाँ सर ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आदित्य सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी सर सर, सर प्रणाम मैं सर। एक्चुअली मैं एक फोन पे था, मैं 1 मिनट, 5 मिनट में आपको गेट बैक करता हूँ। हनुमंत राय जी कुछ बोलना चाहते हैं सर? प्रणाम जी सर, प्रणाम सर। सर सर बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अर्जुना वेस्ट से क्या कभी कभी बीपी लो होता है क्या सर उससे? मेरे को तो ऐसा अनुभव नहीं है, बाकी किसी का अनुभव है क्या कि अर्जुना रिस्ट लेने से बीपी लो हुए हैं? सर ऐसा एक पेशेंट बोल रहा अर्जुना था तो मैंने कहा ऐसा प्रैक्टिस में मैंने देखा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक अर्जुना बार रिस्ट को डिस्कस। बदनाम ना करें, पेशेंट रात को सो नहीं रहा होगा इसलिए लो बीपी हो रहा होगा, नमक कम जी खा सर, रहा जी सर। होगा। हाँ सर, वो तो हार्ट के फंक्शन अच्छे रखता है अर्जुनोस्ट। हाँ तो लो बीपी होने का कुछ और कारण होगा सर, उसको बोले वॉकिंग करे, प्राणायाम करे, सुबह जल्दी उठ के दौड़े, बीपी अच्छा होगा, जितना दौड़ेगा बीपी कंट्रोल होगा। रात को टाइम पे सोए, उसको बोले 8 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ के और फिर वॉकिंग करो, रनिंग करो, प्राणायाम करो, हो जाएगा जी सर। सर, जी सर, जी सर, थैंक यू। अग्नि अच्छा कर दीजिए, मल अच्छा कर दीजिए और नींद अच्छी होनी चाहिए, बस हो गया, ठीक हो जाएंगे। और तब भी लो सर, बीपी रह रहे तो नारदीय लक्ष्मी विलास टैबलेट को लाना है, 10 को कूटना है, 1 लीटर बिस्लरी में डाल के 50 ml सुबह 50 ml शाम को देना है, और वो पीने के बाद 200 स्टेप चलना है, तो लो बीपी के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, जी। अर्जुना रिश्ते नहीं होता सर कभी, ठीक थैंक है। हाँ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? हाँ, प्रणाम सर। हाँ जी सर बोलिए। हाँ एक केस के बारे में डिस्कशन करना था सर। हाँ एक सर एक फीमेल पेशेंट है सर, एज उसका 60+ है। उसका CA ब्रेस्ट ऑपरेट हो चुका है सर, 5 ईयर्स पहले हुआ था। तो पोस्ट कॉम्प्लिकेशन में उसको राइट लिम्स का वो लिम्फेडिमा रहता है सर, तो उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे उसको? लिम्फोपैथी, लिम्फ में होता है क्या कुछ? लिम्फेडिमा मतलब सर वो राइट आर्म उसका पूरा स्वेलिंग रहता है उसमें, बिकॉज ऑफ वो ब्रेस्ट सर्जरी हुआ था ना उसका, और वो रेडियोथेरेपी केमोथेरेपी किया था उसने 5 ईयर्स पहले। हाँ, नहीं तो लिम्फ नोड, लिम्फो एडिनोमा ऐसे बोल रहे हैं आप? लिम्फोएडिनोमा।
तो इसमें रस पाचक, रक्त पाचक दीजिए ना, उससे शुरू करिए, बाद में रसायन दे दीजिए, और बाकी आप उसमें महानारायण तेल से अभ्यंग, नस्य, नाड़ी स्वेद, जो जो अपनी चिकित्सा है वही देना है। ब्रह्म ओके रसायन सर। देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा, दशमूला ऋषि देंगे तो फायदा होगा, लिम्फ नोड का कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट है तो रस पाचक, रक्त पाचक, आरोग्य वर्धिनी वटी, हाँ और सर, पित्त उसको धात्मक द्रव्य, उसको एडिमा पुनर्नवा रहता, मतलब स्वेलिंग रहता सर, राइट है, राइट आर्म मंडूर, शोल्डर। पुनर्नवा गुग्गुल, पुनर्नवा ऋष, वरुण आदि क्वाथ, सहचर आदि कषाय, ये सब दे सकते हैं। ओके सर, ओके ठीक आप है सर। बताइएगा रिजल्ट क्या है। अभी चलो तो सूक्ष्म लोग त्रिफला दे हाँ सकते हैं सर, सूक्ष्म त्रिफला और वो भी दे सकते हैं सर, इसमें मैं कुछ बोलना चाहती हूँ त्रिफला। बोलिए, आपके लिए ही है। जी सर। जो ये राइट आर्म में इनको स्वेलिंग रहती है ना, ये बता रहे हैं सर, तो इसमें ना लिम्फेटिक एक्सरसाइजेस आप जरूर करवाइए। जो पेशेंट अक्सर लंबा टाइम हो जाता है ना कि वो हाँ ऑपरेशन हो गया तो लिम्फेटिक एक्सरसाइजेस करना बंद कर देता है, वो लिम्फेटिक एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी होती है मेडिसिन के साथ में। तो आप लिम्फेटिक एक्सरसाइजेस स्टार्ट कराइए, आपको यूट्यूब में बहुत आराम से मिल जाएंगी। वो कराने से मेरी मदर इन लॉ को भी है, 2 साल पहले हुआ था उनका, और जैसे ही वो बंद ओके करती हैं लिम्फेटिक एक्सरसाइजेस उनको स्वेलिंग आने लगती है, और एक्सरसाइज करती हैं तो नहीं होता है। आप एक बार एक्सरसाइजेस स्टार्ट कराइए तो बहुत आराम मिलेगा उनको स्वेलिंग में। मैम, वो एक्सरसाइज का डिटेल भेज सकते हैं क्या? थैंक जी सर, मैं भेज देती हूँ ग्रुप में। जी ओके यू सर। मैम। हाँ तो इसमें सर मूत्रल भी दे सकते हैं ना, जस्ट टू रिड्यूस वो हाँ फ्लूइड रिटेंशन। सही बताया आपने। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर नित्यानंद रस काम करेगा इसमें? हाँ नित्यानंद रस रह गया था मेरा, मुझे भी वही सोच रहा था। जैसे पैर में हत्थी पांव रहता है जो हाँ संप्राप्ति सर, होती रहती है, यहाँ पे भी है तो हम लोग उसका दे सकते हैं। जी सर। हाँ फिर बताइएगा, और हेतु क्या सेवन हो रहा है वो देखिए सर। रात्रि जागरण हो रहा है, पेशेंट आज सर, नहीं जाग रहा है। रात्रि जागरण तो रहता है उसका, और ये आम दृष्टि भी है, पाचन शक्ति वगैरह आप ही सब बता रहे हैं सारा ठीक चीज, और मतलब आप ही ठीक कर सकते हैं। और फ्रिज का खाना खाती है क्या, ठंडा ठंडा बासी खाना? है। हाँ हाँ सर, खाते हैं हाँ तो आप ही हेतु बता रहे हैं, आप ही चिकित्सा कर सकते हैं। जी सर, जी सर। ये सब बंद कराइए, नहीं तो वो बोलिए कि फिर से कुछ ना कुछ और कॉम्प्लिकेशन होगा। जी सर, जी सर, अपडेट करता हूँ मैं सर आपको नेक्स्ट वीक में उसका। हाँ सारा हेतु निकालिए और अच्छे से केस टिकिंग करिए, केस शीट भेजा गया है, अच्छे से केस टिकिंग करिए, और फिर हमें फिर से ठीक करके आपको सक्सेस स्टोरी बताना है। चलेगा सर, जी जी सर। सर। सर इसमें मर्म हाँ चिकित्सा भी दे सकते हैं, जो बाहों के मर्म होते हैं ना, उर्वी यानी खुर पर। जी ठीक है, बहुत क्या अच्छा मैम, बताया क्या दे आपने सकते सर। हैं? मर्म चिकित्सा अच्छा, मर्म चिकित्सा कौन से मर्म करना पड़ेगा बताइए। सर। शशि मैम, अविनीता मैम, वीडियो ऑन करके बताइए। सर मैं तो रोटी बना रही हूँ, सुशी मैम बता आप देंगी। खुर पर रोटी आनी बना और भी शशि मैम को पता है। रहे? हाँ शशि मैम आप बताना चाहेंगी इसमें कौन कौन से मर्म करना है? शशि मैम सुन पा रही है कि खाना बना रही है? हाँ जी सर, आप वीडियो ऑन करके बताइए कृपया। क्या चीज सर? आप केस नहीं सुनी, एक बार विश्वकर्मा जी एक बार केस बताइए, हाथ के मर्म बताना है। हाँ मैम, एक अच्छा पेशेंट मैम एक पेशेंट है, फीमेल है, 60 ईयर ओल्ड है, उसका ब्रेस्ट सर्जरी हुआ था और केमोथेरेपी लिया था उन्होंने 5 ईयर्स पहले। बाकी तो आम दृष्टि वगैरह है उनका, पाचन शक्ति वगैरह वो सब नहीं रहता है, रात्रि जागरण रहता है। बट उनको 5 ईयर से अभी उनको राइट हैंड उनका पूरा स्वेलिंग, लाइक वो एलिफेंटियसिस जैसा रहता है ना, वैसे ही वो राइट आर्म्स में पूरा लिम्फ एडिमा है उनको, तो अच्छा, उसको क्योर करना था। तो हाथ हैंड के के मर्म मर्म सर नहीं बताइए। पता मैम? आपको याद है भूमिका मैम थी तो वो किसी पेशेंट का कर रही थी, कैंसर पेशेंट हाँ का है वो तो वो तुरंत हैंड कमाता के है। मर्म करती है। मैं वो तो मैं सर से पूछ रही हूँ, ऐसे उनको मैं बता देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हाथ में आपका जब शुरुआत से देखो होते एक तल हृदय मर्म है, तल हृदय मर्म के लिए कुछ नहीं है। सिंपल सा रूल ये है कि जो आपके सेकंड फिंगर जहाँ टच होती है, जो मैं अपना मोबाइल कहीं जुगाड़ लगाऊं,
जी मैम को ठंडा लग रहा है मेरे फिंगर को। जहां टच हुई ना तो हाँ मैम। वहां पर दबाएंगे, दिस इज तल हृदय मर्म। ओके लेडीज हैं तो पहले लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे, ठीक है सर। ओके। हाँ हाँ ये तो तल हृदय मर्म हो गया। तो तल हृदय मर्म आपका बीपी वगैरह के केस में भी काम करता है, और जब हाथ या कहीं पर भी कोई तकलीफ रहेगी मतलब पूरे इस रीजन में, तो पक्का करना ही, मैं सारे मर्म आपको बता रही हूँ। तो सेकंड फिंगर जहां टच होगी आप लाइए पेशेंट का, जहां पर टच हो जाता है चाहे आप खुद दबाइए चाहे वो दबाए। आप दबाते हो तो आपके लिए बहुत सारी शर्तें होती हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होता है, शिव की आराधना करनी होती है, रुद्राक्ष धारण करना होता है। मतलब जितने आप शुद्ध सात्विक और आपको मतलब अपने ऊपर विश्वास होगा उतना ज्यादा रिजल्ट आता है। तो पहला हो गया तल हृदय मर्म, ठीक है। सेकंड फिंगर जहाँ टच हुई उसी ओके तरीके मैम। से इसमें आप अल्टरनेट करके कर सकते हो। और फिर उसके बाद में ये चीज है आपका ओपेन्यूरेसिस है ना, तो यहाँ से ये चीज ऐसे जाएगा। आप जी जब करोगे तब मैम। पेशेंट को ये चीज ऐसे जाएगी, लेकिन हम वो खुद से करेगी तो इधर जाएगा। अब तो देखो मैंने कल हरित की बनाई, हाथ काले काले हैं। तो ये चीज आपका क्षिप्र मर्म हो गया, ठीक है। कुछ लोग इसको अनुक्षिप्र करके इस तरीके से भी करते हैं, वो आपकी मर्जी होती है, अदरवाइज मतलब ये क्षिप्र हो गया। फिर मणिबंध की बात आती है, तो इसको पकड़ते हैं इस तरीके से, इस वाले सेकंड फिंगर से ऐसे पकड़ लिया आपने, और सेकंड फिंगर से पकड़ करके पूरा इसको जो रोटेशन वाला सिस्टम होता है ना वो रोटेट करेंगे। तो जब कोई बराबर। प्रॉब्लम नहीं होती है तो 8 बार करते हैं किसी भी चीज को, और जब प्रॉब्लम होती है तो उसको 15 बार करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको रोटेट करना है। तो ये तो सूक्ष्म व्यायाम में भी करते हैं, बट सूक्ष्म व्यायाम में लोग ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। और ये जो पकड़ोगे ये आपका रिस्ट ज्वाइंट के पास आएगा, मतलब अंगूठे के उसमें, ठीक। देख रहे हो ना मैंने मध्यमा से पकड़ा हुआ है, ठीक। जी फिर उसके बाद ये जो आपका एल्बो ज्वाइंट है, मैंने इनर उनर सब पहना तो मुश्किल होगा। आप ये मान लो आपकी क्रेस्ट है, ठीक है। यहाँ हमारे चंडीगढ़ में ज्यादा ठंड पड़ती है, तो यहाँ से ये 4 अंगुल नीचे कर देंगे। पेशेंट के होगा हर चीज, ठीक। तो क्रेस्ट से 4 अंगुल नीचे कर देंगे तो ये चीज होगा बीचों बीच में इंद्रप्रस्थ मर्म। ओके डॉक्टर साहब। जी मैम, जी मैम। और करिएगा तो सीधा करके करिएगा, वो मैं वीडियो को जैसे आपको वैसे दिखा रही हूँ, हाँ ठीक। हाँ और ये दोनों जो आपकी हड्डियां होती हैं, मीडियल एपिकुंडाइल और लेटरल एपिकुंडाइल, याद है ये दोनों हाँ हड्डियां, सिंपल सी बात है। इनसे पेशेंट के हाथ से एक एक अंगुल नीचे करके इसको ऐसे से करना है। तो इसको आराम से कराइएगा, ओके। कई बार बहुत सारे लोग बहुत तेजी से कर देते हैं, ठीक। फिर जैसे 4 अंगुल आपने नीचे किया था जी मैम। वैसे ही क्रेस्ट से 4 अंगुल ऊपर करेंगे फिर, ठीक हाँ है। तो ये आड़ी हो जाएगा, चार और फिर अंगुल 4 अंगुल ऊपर ऊपर। करेंगे तो उर्वी हो हाँ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में इस चीज जी को मैम। हाँ ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, ठीक। तो 45 डिग्री के बाद ये सेकंड फिंगर आपकी जहां चाहती है वहां दबाना है। तो ये 90 हुआ और ये 45 लेकर जाएंगे, तो सिंपली मैं एक साथ दोनों ही कर देती हूँ, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ये पूरे हाथ के सारे मर्म हो जाएंगे, ठीक है। जी मतलब मैम। फर्स्ट आपका तल हृदय हुआ, देन क्षिप्र हुआ, देन मणिबंध हुआ, फिर इंद्रप्रस्थ हुआ, फिर यहाँ पर कुरपर हुआ, इंद्रप्रस्थ फिर उर्वी आणि, और फिर आपका जी ये अंश मर्म हो गया। तो ये सारी चीज मैम। कराइएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है सर, ठीक है। जी मैम। श्योर ठीक है सर, जी वेलकम, मैम। थैंक थैंक यू मैम। यू सर। अच्छा बताया मैम। शशि मैम थैंक यू आप सर। हैं तो इतना अच्छा लगता है कि शशि मैम हमारे साथ में है। और जो ना भी सर जी ने सिखाया सर, सर आप ना ये YouTube का देखिए वीडियो एक मैम ने भेजा है WhatsApp ग्रुप में, खास आपके लिए भेजा है। ठीक जी मैम। जी सर। जी सर। जी है फिर बताइएगा और भाई सक्सेस स्टोरी बताइएगा। थैंक सर, मैं अपडेट करूंगा सर, जरूर सर। थैंक यू सर। जी यू। डॉक्टर मनीषा मैम कुछ बोलना चाहेंगी आप, कोई केस और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। हाँ सर, एक अभी जो विंटर है ना, तो स्किन पर लगाने के लिए बॉडी लोशन करते हैं यूज, तो जिन लोगों को हमने विरेचन या तो कोई पंचकर्म प्रोसेस दिए, वो लोग कहते हैं कि कोई तेल हम प्रकृति के हिसाब से लगा सकते हैं पूरे बॉडी में नहाने के बाद। सर जी वो लगाने के लिए दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। आप क्या क्या देती हैं एक बार फिर से बताइए। नहीं, वो यहाँ का एक है बॉडी लोशन, वही देते हैं, पर वो पेशेंट बोल रहे हैं कि नहीं वो तेल अच्छे होते हैं जो प्रकृति के हिसाब से हम वो आप चंदन पंचकर्म के वाला दरमियान। लाक्षागृह तेल दीजिए ना मैम, चंदन वाला हाँ लाक्षागृह तेल, वो सुगंधित भी रहता है, पेशेंट को फायदा होता है। फिर अगरू तेल है, अब अगरवादी तेल रहता है। हाँ वो नहाने के बाद लगाएंगे, वो चलेगा ना सर? हम हाँ तो हाँ मालिश। चलेगा। हाँ ओके, बस बस वही पूछना था। थैंक यू सर। नॉर्थ इंडिया में तो लोग ना, जो बिहारी मजदूर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि सरसों का तेल लगाते हैं
और ठंडी में ऐसे घूमते हैं बिना स्वेटर के। सरसों का तेल कितना अच्छा है, प्रोटेक्शन देता है। अगर सर सरसों का तेल सूट करता है नॉर्थ इंडिया में तो आप लगाइए, बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि जो चीजें सस्ती होती है ना उसमें मिलावट कम होती है, जो चीजें जितनी महंगी होती है उसमें मिलावट के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। जी जी सर, हाँ, डॉक्टर वैशाली मैम कुछ बोलना चाह रही हैं। हमारे आप लोग के नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंडी है शायद, मैंने शशि मैम को देखा स्वेटर वेटर पहन के। आप हमारे पुणे में हैं, हम लोग तो फैन लगा के सो रहे हैं। तो 12 सही का है। टेम्परेचर हाँ जी सर, पठानकोट में भी 10 है, 10 पठानकोट में 10 और 8 चल रहे हैं सर। आप पुणे में आकर फैन लगा के सोना पड़ता है, चादर लेके फैन लगा के सोना पड़ता है। ठंडे लोएस्ट 6 जा रहा है। सबसे अच्छा है सिटी पुणे है, यहाँ पे कभी ठंडी नहीं पड़ती, कभी गर्मी नहीं पड़ती। सर हम लोग जनवरी में पूना गए थे, लास्ट टू हाँ लास्ट टाइम शिरडी गए थे, तो सर हम लोगों को इतने मतलब हम लोगों को तो क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को तो आदत ही इतनी ठंडी की, और हम लोग वहां पे देख रहे थे 26-27 डिग्री में भी हम लोग मतलब हाफ बाजुओं में थे और लोगों ने मल्टी कैप पहनी हुई थी, तो हम लोग बहुत सरप्राइज थे कि इन लोगों को कैसे ठंड लग सकती है इतनी ज्यादा, और वो लोग जब इधर आते हैं और सर वो इतनी ठंड सहन ही नहीं कर पाते हैं, और मैंने हाँ देखा है मेरे ब्रदर इन लॉ है सर, उनके फ्रेंड्स आते हैं तो वो बाहर ही नहीं निकलते हैं, वो इसीलिए नहीं बाहर निकलते हैं, वही तो, हमें बस उनको ऐसा बहुत ठंड लगती है। लगता है रात्रि में ठंडी होती है तो ऐसा लगता है एसी में बैठे, बस उतना ही ठंडी होता है, ज्यादा ठंडी नहीं होता। सर एसी में क्या ठंडी होगी, जो इस वक्त ठंड है मतलब इतने डबल लेयर सब पहनना पड़ता है, ट्रिपल 4 लेयर भी पहनो, क्योंकि हमारा घर तो और ठंडा रहता आप है। कभी पुणे में रहेंगे ना शशि मैम, आप देखिएगा ठंडी नहीं है यहाँ पे, मजा आता हाँ है। सर, वहां तो गर्मी रहेगी, वहां ये हालचाल नहीं होता। चंडीगढ़ एक्चुअल में शिमला पास में बहुत ज्यादा ना, 110 हाँ, किलोमीटर ही तो है, अब कसौली 60 किलोमीटर की स्टेशन है आसपास तमिलनाडु के। में तो इतनी तेज बारिश भी हो रही है, तूफान भी आ रहा है, और फिर गर्मी भी पड़ रही है, दोनों हो रहे हैं सर तमिलनाडु में। वाइजेक में कितना बुरा हाल हुआ था, अभी जो हुआ था हमने कहा बहुत अच्छे टाइम पर वाइजेक छोड़ दिया हमने, बहुत बुरा हाल हुआ था। जी ठीक है, थैंक यू मैम, कितना अच्छा बताया आप लोगों ने। सर और मेरा एक किसी क्वेश्चन था। हाँ जी सर, सर मेरे पास एक पेशेंट है, वैसे वो अभी ठीक हो चुके हैं, हाइपर एसिडिटी की पेशेंट थी, लेकिन सर वो उसको प्रॉब्लम है सर, उसका मतलब शुष्क योनि है सर, वो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी इचिंग ज्यादा हो जाती है, कभी सर वो बोलती है ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए सर क्या कर सकते हैं। आप, ये मैंने एक पीचू बना के भेजा है ग्रुप में, जी सर वो मैंने देखा, तो यस सर। हाँ जी आप अगर कंडू है तो आप कंडू न गण के सिद्ध तेल से करिए, तो फल घृत, शतावरी घृत, त्रिफला घृत, पंचतिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, कोई भी द्रव्य लीजिए, उसमें पीचू बना के उनको बोले रोज रखे, ठीक हो जाएंगी। कंडू बहुत ज्यादा है तो हल्दी और महातिक्त घृत मिक्स करके और पीचू करके और रख दे, सुबह निकाल ले, यूरिन पास करते टाइम थोड़ा प्रिकॉशन ले, गीला ना हो पीछू, इंफेक्शन अंदर ना जाए। ठीक जी सर, जी सर, थैंक यू सर। और त्रिफला को अच्छे धावन करें, सूक्ष्म त्रिफला ले, वहां पर क्लीनलीनेस रखे, हो जी सर, जाएगा। सर वो तो मैंने बोला उनको, बट वही सर उनको ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि मीनोपोजल में ये चीजें ज्यादा आ जाती हैं और अभी वो मीनोपोज के कारण उनको ये चीजें ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं, तो ये सर। जी मैम, अगर आप इसमें शतावरी या शतावरी घृत ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, ये मेनोपॉज के टाइम पे जो इचिंग और ड्राइनेस होती है इसमें। मैम खाने के लिए भी ऐड कर दूं साथ में पिचू के साथ? जी जी मैम, खाने के लिए बता रही हूँ, शतावरी सर, घृत या शतावरी चूर्ण, आप दूध के साथ दोनों में से कुछ भी ऐड कर दीजिए, रिजल्ट अच्छा मिल जाते हैं। ज्यादा पानी थैंक ठीक है, बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है आज, सभी को मैं प्राउड ऑफ यू बोलूंगा। आप लोग आयुष दर्पण पे इतना पॉजिटिव वाइब्स आता है ना आप लोगों से, इतना मतलब अच्छा लगता है, मजा आता है सुनने में भी। हाँ डॉक्टर शक्ति मोहन जी कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, मनीषा मैम, नेहा मैम, किसी को कुछ बताना है, मोना गायकवाड़ मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, विनीता मैम, मीना मैम। हाँ हेलो सर, मुझे भी आप लोगों के जैसा सीखना है, आयुर्वेद का मुझे कुछ भी, आयुर्वेद आप तो एमडी कर रही है ना का मुझे कुछ मैम, भी नहीं आता सर।
आप तो एमडी करिए, इतनी बहादुर हो। जी सर आप कौन सा सब्जेक्ट में करनी है मैम? लेकिन सर जैसे पास आउट एनाटॉमी में सर, एनाटॉमी एनाटॉमी में करना नहीं एनाटॉमी सर, एनाटॉमी है? एनाटॉमी में जी वो सर। हमारी अनुरीता तकड़ मैडम है, वो एसोसिएट हाँ प्रोफेसर सर है। हाँ वो आपको गाइड करेंगे हमेशा। जी जी सर और मैम आप तो जी सर कितने जी सर, नीट में, आपको कितने आप परसेंट लोगों से आए थे? बहुत सीखना है सर मुझे। हाँ, आपको नीट में कितने परसेंट सर आए थे 87.24, बताइए, कितना एटी इंटेलिजेंट सेवन है पॉइंट ट्वेंटी 24 बताइए, कितना कितना इंटेलिजेंट है, तभी तो इतना अच्छा मार्क्स आया आपको। बहुत अच्छा लगा मैम, ठीक है। लेकिन सर तबीयत के वजह से मुझे सब कुछ मिल रहा था, काय चिकित्सा शल्य वगैरह, तो मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि होता नहीं मुझसे, इसलिए मैंने फिर एनाटॉमी ले लिया सर। आपको क्या तबीयत का क्या हुआ है? ऐसे हुआ है सर, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, मैंने आपको मैसेज किया था, अच्छा हाँ, अभी आ न्यूरोपैथी है गया। पैरों में। हाँ 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 ठीक हाँ है उसकी सर। वजह तो से चलना नहीं होता, स्टेप्स भी चढ़ना नहीं होता मुझे, आपने किडनी ट्रांसप्लांट क्यों ये किया? सब प्रॉब्लम है आयुर्वेद में इतने अच्छे अच्छे दवाइयां हैं, तो क्यों किया किडनी ट्रांसप्लांट? तो ज्यादा सर। बताओ। ली सर मैंने आयुर्वेद की दवाई ली, लेकिन मेरा क्रिएटिन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि फिर डायलिसिस पर जाना पड़ा। फिर उसके बाद में वही ऑप्शन था, दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी, फिफ्थ ग्रेड में थी और रिकवरी का कोई भी चांस नहीं था। इन दो से भी मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, फिर एक चंद्रपुर में भी एक आयुर्वेद आचार्य है उनसे भी लिया मैंने, उनका भी बहुत नाम था, लेकिन वर्स होते गया सर कंडीशन, तो इफेक्ट अभी कुछ कौन भी सी नहीं हुआ मेरे दवाइयाँ, पे उसका। कौन सी दवाइयाँ अब ले रही हैं? स्टेरॉइड्स? सर हाँ सर, स्टीरॉइड और इम्यूनो सप्रेसिव शुरू है सर मुझे अभी तो महीने का कितना खर्चा आता है आपको? सर, 15 to 20,000 पर मंथ आता सर खर्चा उसका। और तब भी साइड इफेक्ट, तब भी बीमार? हाँ उसके साइड इफेक्ट्स बहुत से सर, उस मेरे आंखों पे साइड इफेक्ट्स होगा, कैटेरेक्ट हुआ, फिर ग्लाइकोमा हुआ, फिर न्यूरोपैथी हुई मुझे, जिसकी वजह से मैं चल नहीं सकती ज्यादा, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आप है सर उसके। मुझे कल कॉल करिएगा, मैं आपका केस टेकिंग करके मैं आपको ठीक कर देता हूँ। आप मुझे क्या गिफ्ट देंगी, आप पहले ही बताइए, मैं जो आपको आप ठीक बोलो कर। सर, जो आप बोलो आप आयुर्वेद पढ़ेंगी, आयुर्वेद चिकित्सा देंगी एमडी होने के बाद? हाँ सर, हाँ सर मुझे भी वही चाहिए सर, आप लोगों को सुन के मुझे अभी ऐसा लग रहा कि सही में आयुर्वेद करना चाहिए करके हाँ प्योरली अभी आपको गिफ्ट का आपने बोल दिया, सबके सामने रिकॉर्ड हो रहा है, अब आप पीछे नहीं हट सकते, मैं आपको ठीक कर दूंगा। हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ सर, मैम थैंक यू कितने सर। समय से आपका ट्रांसप्लांट हुआ है? कितने समय से हो सर चुका? 2017 में, 17 में हुआ सर ट्रांसप्लांट मेरा। अच्छा, और किडनी कब से खराब हो सर किडनी 2010 में गई जब मैंने बायोप्सी करवाई, तब मुझे बायोप्सी में पता चला कि दोनों किडनियां खराब है, फोर्थ स्टेज में है करके, पूरी नेक्रोज हो गई थी। थी? जी मैम। हाँ मैम, आप अगर आप हृदय से करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, सच बता रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ लेकिन एक्सपीरियंस के साथ बोल जी सर मैं कर ही रही हूँ, स्ट्रगल कर ही रही हूँ, मैंने अभी गिव अप नहीं किया है, रहा हूँ। चालू नहीं, है अरविंद सर का ट्रीटमेंट, अरविंद स्ट्रगल सर का ट्रीटमेंट जरूर लीजिएगा। जी सर जी, इसीलिए मैं ये मंच पे आई हूँ, सर के बारे में बहुत सुना है मैंने, इसीलिए मैं ये मंच पे आई हूँ कि मुझे भी आयुर्वेद सीखने को मिलेगा और खुद को भी फायदा होगा उससे। सब ठीक हो जाएगा मैम, चिंता मत करें, मुझे केस अच्छे से बताएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या जी सर क्या जी करना है मैम। जी सर थैंक जी जी सर, यू मैम, थैंक थैंक यू यू। सर, और थैंक यू हाँ, सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोले, और आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को छोड़ूंगा, मैं सबको बुला बुला के बोल बोल के ऐसे बुलाता हूँ सबको, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको मैं नहीं याद करता हूँ, सबको बोलना पड़ता है। तो शैलजा आनंद मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं बोल सकती हैं, सीमा शर्मा मैम कुछ बोलिए, आप लोग वीना मैम कुछ बोलना है बोलिए, राम अवतार माली जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? अगर आप लोग नहीं बोलना, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, तो अभी मैं सेशन बंद कर नहीं देता वो हूँ। तो आप जी क्या बोलना है सर? नहीं बोलना, अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अब हम सुबह मिलेंगे, तब तक आप लोग रेस्ट करिए। थैंक यू, प्रणाम।